पोषण युक्त आहार, ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता है शासकीय स्कूलों में बंटने वाले भोजन के बारे में। लेकिन क्या इस पर अमल हो रहा है या फिर सिर्फ दस्तावेजों में ही स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है? आइए हम आपको बता दें हैं अपनी इस खबर पर स्वादिष्ट और पोषण युक्त आहार के बारे में। मामला गुना जिले के बमोरी तहसील के अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र परवा के प्राथमिक विद्यालय हमीरपुर के यहाँ खामियां तो वैसे अनगिनत हैं। पहले नंबर पर है प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त है। यहाँ बच्चे पंचायत भवन में अध्ययन करते हैं। विगत एक वर्ष से यह विद्यालय पंचायत भवन में सुचारू रूप से संचालित होता है। दूसरी कमी है प्रशासन के सावे दावों को धूमिल करती नजर आती है। यह मामला है बच्चों को विद्यालय में मिलने वाले मध्यान्ह भोजन का। हमीरपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर कई सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ बच्चे भोजन खाते नहीं बल्कि घर ले जाकर जानवरों को खिलाते हैं। तो वहीं 50 से 60 बच्चों पर मात्र 5 से 6 प्लेट ही सब्जी बनाई जाती है जिसको बच्चे हाथ तक नहीं लगाते। यहाँ मिलने वाले भोजन पर बच्चे ही कई सारे सवाल खड़े करते हैं, क्या ये खाने लायक है? विगत 2 वर्षों से इस विद्यालय में घटिया गुणवत्ता का खाना परोसा जा रहा है जिसको लेकर बच्चे अपने जानवरों को खिलाते हैं। जब यहाँ के स्कूल प्रभारी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों से इसी तरह से बच्चों को खाना दिया जाता है। बिना शाला के प्रमाणीकरण के बैंक की मिली भगत से पैसे निकाल लिए जाते हैं, जबकि यहाँ के शिक्षक प्रभारी ने बैंक को लिखित आवेदन दिया है कि बिना शाला के प्रमाणीकरण के राशि आहरण न किया जाए। इसके बावजूद भी समूह संचालक अपनी सांठगांठ के चलते मनमाने तरीके से राशि निकाल लेते हैं। बिल्कुल आप सब जेल वाली अच्छा यहाँ पे ये खाते हो या नहीं खाते हो? ये क्या करते हो इसको ले जाकर के? गायों को डालते हैं। अच्छा बताएं, आप जो पंचायत भवन में आपका स्कूल संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर भवन की क्या सुविधा है स्कूल की? और स्कूल की सर इसकी कंडीशन ये है कि ये बच्चों को बैठाने लायक नहीं है। इसमें किसी भी वक्त कुछ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसके बारे में हमने विभाग को लिखित सूचना भी दी और वहाँ से इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हुई। हाँ। लेकिन ये छत का काम है और 1 लाख में किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। अच्छा कितना समय हुआ इसको क्षतिग्रस्त हुए? इसमें हम मतलब इस स्कूल के अलावा पंचायत भवन में पिछले साल से हम स्कूल संचालित कर रहे हैं। मतलब करीब 1 साल आपको ट्रांसफर हुए हो गए? हाँ, 1 साल हो गया। अच्छा ये जो खटिया वगैरह इसमें रखी हुई है, इसमें क्या कोई निवास करता है क्या? निवास नहीं है, तो इसमें क्या है, एक वो लाइट का ठेकेदार आ गया था। अच्छा, तो उसकी पड़ी थी पंचायत वालों ने बोल के कि भाई ये थोड़ा बोलने का तो कोई कॉलम ही नहीं है, अपना तो लिखित चलता है। हाँ, आपने लिखित दी होगी। हाँ। तो आपके गोयल जी से भी बात हुई होगी? मेरी गोयल जी से बात नहीं है, मैंने डीपीसी में लिखित दी है। डीपीसी में? हाँ, और पहले जी जो दी थी ना उसके बाद में 1 लाख राशि स्वीकृत हो गई, तो आप देख रहे हो इस कंडीशन में 1 लाख में इसका छत हो नहीं सकता। तो आपने राशि 1 लाख आपने लिखी थी या 1 लाख ही उन्होंने? नहीं, मैंने 5 या 6 लाख रुपए लिखे थे। अच्छा, 5-6 लाख के बाद 1 लाख करे? 1 लाख स्वीकृत हुई, तो राशि भी शेष है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं। इसको इधर कैमरा घुमा के। अच्छा, शिक्षा विभाग की ओर से क्या जवाब आया आपके पास में इसको? उन्होंने क्या कहा जब आपने बढ़ाने का बोला कि सर 1 लाख रुपए से काम कुछ नहीं होगा इसमें? देखो लिखित दिया मैंने, तो लिखित देके यार पहुंच ही गया,